गोकशी हिंसाकांड के बाद बुलंदशहर संगीनों के साए में है। कल हुई हिंसा में पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या में जिस योगेश राज का नाम सुर्खियों में है, वो बजरंग दल का जिला संयोजक बताया जा रहा है और इस केस में अब तक 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बुलंदशहर में बवाल के ठीक पहले के इस वीडियो को देखिए। इसमें भीड़ को उकसा रहा यह शख्स योगेश राज है। तस्वीरों से लग रहा है कि उस दौरान इंस्पेक्टर सुबोध ने उसे समझाने की कोशिश भी की थी। उन्होंने पथराव किया तो हम पर पथराव किया तो हम भी तितर बितर हो गए उस समय, क्योंकि हमको ज्यादा चोट लग गई थी तो हम लोग भी भाग गए, खेतों की तरफ गए थे। उसी के बाद मचे बवाल ने इंस्पेक्टर सुबोध और प्रदर्शनकारियों में शामिल सुमित नाम के युवक की जान ली। बुलंदशहर बवाल के बीच इंस्पेक्टर सुबोध को जिस तरह खेत में ले जाकर मारा गया, उससे हत्या के पीछे साजिश की आशंका गहरा गई है। बुलंदशहर हिंसाकांड में पुलिस ने 2 FIR दर्ज की है। पहली FIR में गोकशी की शिकायत है, जिसमें 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। बता दें आपको कि आरोपी योगेश ने पुलिस में गोकशी की शिकायत की थी और गोवंश के टुकड़ों को ट्रैक्टर में लादकर चिंगरावटी थाने के पास जाम लगवाया था। दूसरी FIR बुलंदशहर में बवाल पर दर्ज हुई है, जिसमें बजरंग दल के जिला संयोजक योगेश राज, स्थानीय बीजेपी नेता शिखर अग्रवाल और विश्व हिंदू परिषद के नेता उपेंद्र राघव समेत 27 आरोपी नामजद हैं, जबकि 60 अज्ञात आरोपी हैं। 6 टीमें आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही हैं। जिन लोगों ने प्रतिवाद किया है इस घटना में शामिल होने का, उनको छोड़ने की भी कोई कवायद नहीं है और जो लोग इसमें नहीं है उनको फंसाने की भी कोई मंशा नहीं है पुलिस की, इसलिए निष्पक्षता के लिए ही SIT का गठन किया गया है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है जबकि 6 लोग हिरासत में हैं। पुलिस राजकुमार नाम के शख्स को भी तलाश रही है, जिसके खेत में गोवंश के कटे हिस्से मिले थे। उससे पूछताछ में साजिश का राज खुलने का अंदेशा है। इसने इस तरह का आतंक फैला रखा है कि हर कोई आदमी छिपता फिर रहा है। हाँ जी, सब इधर उधर है, सबको ये बोल रखा है पुलिस वालों ने कि इनको जैसे हमारा एक वो गया है, पुलिस वाला गया है, इनको हमें भी बदला चाहिए। बुलंदशहर हिंसाकांड के मास्टरमाइंड योगेश राज की गिरफ्तारी के बाद बजरंग दल ने उससे पल्ला झाड़ लिया है। वहीं यूपी सरकार कह रही है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। SIT गठित की गई है, जांच शीघ्रता से पूरी हो, जो इस प्रकार की घटना को अंजाम देने वाले हैं कौन है उनका पता चलेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो बुलंदशहर हिंसा को क्यों सोची समझे साजिश माना जा रहा है, अब इसकी वजह भी समझिए। बुलंदशहर में हिंसा पर उतारू भीड़ में एक संगठन विशेष से जुड़े स्थानीय नेता शामिल होने के आरोप, भीड़ में से पुलिस पर गोलियां चलाने से साफ है। हंगामेबाजों का मकसद बड़े पैमाने पर फसाद फैलाना था। बुलंदशहर से चंद किलोमीटर की दूरी पर मुस्लिम समाज का बड़ा धार्मिक आयोजन था। गोकशी के हंगामे में कई युवकों को भीड़ ने निशाना बनाया, लेकिन पुलिस की चौकसी के कारण माहौल खराब नहीं हो पाया। गोकशी के नाम पर हंगामे के पीछे सवाल ये भी है कि कहीं इसके पीछे वोटों के ध्रुवीकरण का मकसद तो नहीं था।